गाइज अभी हम निकल चुके हैं टोहाना से ऑफिस खत्म करने के बाद। सुबह हम लोगों को जल्दी थी तो हम लोग और ज्यादा वीडियो वगैरह नहीं बना पाए, क्योंकि ना सोमवार को हमारे पास काम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए यानी कि अभी हम थोड़ा बहुत व्लॉग बनाएंगे स्कूटी के ऊपर। आज हम स्कूटी से यानी कि आए हुए थे, तो गाइज स्कूटी चला रहे, बस मोटो व्लॉगिंग हो जाएगी। इसे बहाने आज हमारी थोड़ी सी ये ITI है, कई बार मैंने आपको ट्रेन से भी बताया हुआ है जाखल की ITI के बारे में। तो ये गाइज ये टोहाना की ITI ये देखिए, और अभी हम चलते हैं अपने घर की ओर। तो गाइज आज पता क्या हुआ कि पहले हमने देखा कि ऑनलाइन ट्रेन जो है टाइम पे है, पर यानी कि ट्रेन टाइम पे थी, हम चल गए, उसके बाद ट्रेन गाइज आई नहीं। तो उसके बाद हम वापस आ गए और उसके बाद पता चला कि ट्रेन थोड़ी सी 8-10-15 मिनट लेट थी, उसके बाद ट्रेन आ गई। जब हम लोग वापस गए तो गाइज तब तक तो ट्रेन भी यानी निकल चुकी थी, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि हम लोग ऑफिस छोड़ नहीं सकते गाइज। तो ये देखिए कितना सारा भर रखा है ये, यानी कि पता नहीं क्यों भरते, एक्सीडेंट का खतरा भी रहता। तो गाइज हमारे पास और कोई चारा नहीं था, फिर हम लोगों को ना स्कूटी लेकर ही आनी पड़ी। तो इसी बहाने ठीक है आज थोड़ी बहुत मोटो व्लॉगिंग हो जाएगी, और आप लोग टोहाना और जाखल के बीच में जो रास्ता जाता है वो भी देख लेंगे किस प्रकार का है। तो गाइस अभी बस हम लोग जा ही रहे हैं, क्योंकि वैसे तो मैंने जब व्लॉगिंग शुरू की थी तो मैंने सोचा था कि ना मोटो व्लॉगिंग शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग और मोटो व्लॉगर्स वगैरह को देखते थे, तो उसके लिए मैंने हेलमेट वगैरह भी बढ़िया लिया। पर जो कैमरा था ना, जो मोटो व्लॉगिंग के लिए कैमरा यूज होता है हेलमेट के लिए, वो लेने के लिए हमारे पास यानी कि उस समय पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए थे। तो हम लोगों ने सोचा फिर डेली व्लॉगिंग ही शुरू करते हैं, धीरे धीरे मोटो व्लॉगिंग पे आ जाएंगे। तो गाइस बात बस इतनी सी है कि मान लो जब हमारे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा ना, तब हम लोग मोटो व्लॉगिंग किया करेंगे, और हेलमेट पे लगाने वाला जो कैमरा होता है ना GoPro वगैरह, वो हम लोग खरीद लेंगे। तो बस वैसे ही है गाइस, चलिए चलते हैं फटाफट, रात भी होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है, यहाँ पर खेत देख सकते हैं आप लोग, क्या मस्त नजारा है, और आगे की तरफ ट्रैक्टर जा रहा है, ये रेलवे लाइन जा रही है देखो हमारे बगल से बिल्कुल ही। तो गाइस ठंड वगैरह भी बहुत ज्यादा हो गई है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ठंड भी, यानी कि ठंड तो नहीं दिखा पाऊंगा, पर मान लो बात यह है कि हम लोग अभी स्कूटी से जा रहे हैं ना, तो हवा बहुत ज्यादा तेज लग रही है, हेलमेट हम लोग लाए नहीं सुबह सुबह गाइस। तो अभी अंधेरा भी हो गया, लाइट ऑन कर लिए मैंने। आप हमारे साइड में देख सकते हैं रेलवे लाइन वगैरह है वहां पर। तो बस गाइस निकलते हैं फटाफट, क्योंकि घर पर भी पहुंचना है, ठंडी की हवा बहुत ज्यादा लग रही है अभी, विंडशील्ड वगैरह नहीं होती स्कूटी के ऊपर आपको पता ही है, तो हवा बहुत ज्यादा लगती है। चश्मा पहन रखा है वैसे मैंने हवा के लिए, और मच्छर वगैरह जो रात को हो जाते हैं उसके लिए, पर फिर भी गाइस यानी कि बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है मान लो, क्योंकि हम लोग मोटो व्लॉगिंग वगैरह ज्यादा नहीं करते ना, तो मेरे को थोड़ी आदत भी नहीं है मोबाइल को एक साथ पकड़ कर चलाने के लिए, तो इसलिए बीच बीच के अंदर ही मोटो व्लॉगिंग करेंगे गाइस। तो एंगल वगैरह टेढ़ा हो जाए तो संभाल लियो, बस कोई बात नहीं। तो गाइस ये देखिए कितना मस्त रास्ता है, शहर वगैरह में तो ऐसे देखने को मिलता, दोनों साइड पेड़ है, इस साइड हरियाली है, इस साइड रेलवे स्टेशन है, हिम्मतपुरा का रेलवे स्टेशन है गाइस इस साइड, और सामने की तरफ देखिए रास्ता, रास्ते के दोनों साइड पेड़ वगैरह है, बढ़िया नजारा है एकदम। ये देखिए खेतों में अब गेहूं वगैरह लगनी शुरू हो गई है, धुंध आप दिख रहे होंगे ऊपर की साइड में, थोड़ा थोड़ा कोहरा जैसा होने लग गया गाइस। उस साइड देखिए आसमान थोड़ा थोड़ा येलो ऑरेंज सा दिख रहा है। एक तो ना मोटो व्लॉगिंग करते हुए जो मोबाइल से करते हैं ना गाइस, तो हेलमेट वगैरह हमने पहना नहीं हुआ, तो ना हवा की आवाज बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए हमें चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ता है, तो उसी कारण से ना खांसी भी बार बार उठ जाती है। वैसे जब रात को अंधेरे में आते हैं ना, तो काफी डर लगता है यहाँ पर, क्योंकि ना पंछियों वगैरह की आवाज वगैरह आती रहती है ना यहाँ पे, तो अजीब सा लगता है, थोड़ा डर वगैरह लगता है गाइस यहाँ पर आने में। चलो कोई नहीं, अभी इतनी भी रात नहीं हुई है, अभी तो ट्रैफिक चालू है, वैसे यहाँ से बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं रात या शाम के टाइम पे। तो गाइस चलिए फटाफट घर पहुंचते हैं, ज्यादा रात ना हो जाए। सो गाइस ये देखिए यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है, चलो रेलवे क्रॉस कर लेते हैं। अब थोड़ा ट्रैफिक वगैरह कम होने लग गया, इसलिए हम लोग एक हाथ से पकड़ कर वीडियो बना सकते हैं। ये हिम्मतपुरा का रेलवे क्रॉसिंग है गाइस, दोनों साइड हमने देख ली ट्रेन नहीं आ रही है। ये देखिए यहाँ पर कैबिन मैन वगैरह वो रहता है जो फाटक खोलता बंद वगैरह करता है। तो अब हम लोगों ने हिम्मतपुरा पार कर लिया गाइस, इस साइड ना हिम्मतपुरा के घर है, जहाँ पर यानी कि लोग रेलवे के जो घर वगैरह है ना वो है इस साइड में, ये रास्ता जाता है गाइस यहाँ से, यानी कि सीधा हिम्मतपुरा के जो घर वगैरह है ना रेलवे के वो है, और हम लोग सीधा अपने घर के दौर निकलते हैं जाखल की ओर। ये देखो खेतों के अंदर भी घर बना रखा है, और ये देखिए चारों तरफ हरियाली है गाइस। आप लोगों को तो ये सब यानी कि शहरों में देखने को नहीं मिलता होगा, पर हम लोगों को यानी कि ये आम बात है। ये देखो गाइस ऊपर आसमान कितना ऑरेंज ऑरेंज सा लग रहा है, और
ये देखिए खेत, जहाँ तक नजर जाती है खेत ही खेत है। तो गाइज ये ना जब बाढ़ आई थी अभी हमारे एक दो महीने पहले, तो ये पूरा का पूरा ये एरिया जो है डूब चुका था। यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जहाँ तक भी यानी कि आपकी नजर जा रही है ना सब पानी के अंदर डूबा हुआ था। बहुत ही तकड़ी बाढ़ आई थी हिमाचल के अंदर से, जो भी पानी आया था ना वो हमारे यहाँ गग्गर नदी है, तो उस गग्गर नदी के थ्रू यानी कि सारा पानी हमारे एरिया के अंदर घुस गया था। तो गाइस ये देखिए छोटे छोटे पंप वगैरह बनाए होते हैं, क्योंकि रात वगैरह को जो खेतों की रखवाली के लिए आते हैं ना वो देखो खेतों के अंदर जो घर बने हैं इन्हें ना हमारी साइड में ढानी वगैरह भी कहा जाता है। ये देखिए धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया बहुत ज्यादा। सरसों लगी है अभी यहाँ पे गाइस, तो मम्मी और मैं कई बार ना सरसों तोड़ने के लिए आते हैं खेतों के अंदर। अगर सरसों तोड़ने का मौका मिला तो आपको ब्लॉग के अंदर लगाकर दिखाएंगे, बनाकर दिखाएंगे। इसलिए खेतों में देखिए गाइस, ये देखो खेतों के अंदर और भी घर बना रखे हैं बढ़िया बढ़िया, वैसे देखने में अच्छे लगते हैं ये घर, क्योंकि चारों तरफ खेत और आगे की तरफ यानी कि घर बना ले शहर सी भीड़ भाड़ से दूर और पॉल्यूशन से दूर जो घर होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं गाइस। तो आज यानी कि हमें वोटो ब्लॉगिंग करने का मौका मिल ही गया। हम काफी टाइम से सोच रहे थे यार कि यानी कि हम लोग स्कूटी से जाएंगे और ऐसे वोटो ब्लॉगिंग करेंगे, तो गाइस वही मौका हमें मिल गया। लोग वहां से भी आ रहे हैं नहर साइड से, हम लोग भी वहां से आ सकते थे, पर क्या है नहर साइड में थोड़ा डर सा रहता है शाम के टाइम पे। तो गाइस सामने की तरफ ना एक और रेलवे क्रॉसिंग आ रही है, ये कूदनी की रेलवे क्रॉसिंग है। तो हिम्मतपुरा की दिखाई, वो टोहाना से जाखल जाते हैं जब हिम्मतपुरा की क्रॉसिंग आती है, या हिसार से जब जाखल की ओर जाते हैं जब स्टेशन पहले कूदनी की रेलवे क्रॉसिंग आती है, तो ये वही है कूदनी की रेलवे। गाइस ये देखिए ये कूदनी की रेलवे क्रॉसिंग है। और ये जो रास्ता है यहाँ पे इस साइड ये जाता है टोहाना हेड और जमालपुर की साइड में, और ये हमारे जाखल की ओर जाएगा। यहाँ पे पेंचर वगैरह बनाने की भी दुकान है अगर किसी का यानी कि अटक जाता है बीच में काम। तो गाइस जब हमने जाखल वाला रास्ता ले लिया है, आप सामने की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे ये ठेका है गाइस। ठेका और जो हत्था होता है ना जहाँ पर बैठ कर खाते पीते रहते हैं, वो तो लगभग हर जगह मिल ही जाता है। ये देखो गाय चल रही है अभी भी शाम के टाइम वहाँ पे गाय को भी यानी कि अभी तक भूख लगी है, खेतों के अंदर घुस जाते हैं तो काफी नुकसान कर देते हैं। यहाँ पर भी एक ठेका है गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस ठेके बहुत होते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना आपके घर के साइड में या आपके मोहल्ले साइड में भी ठेके वगैरह भी है क्या। ठेके बहुत ज्यादा जरूरी है लगता है मेरे को, क्योंकि ना जब हमारा लॉकडाउन खुला था सबसे पहले ठेके ही खोले थे, तो लगता है इंडियन इकोनॉमी ठेकों के ऊपर काफी ज्यादा यानी कि शराब के ऊपर एल्कोहल के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर कर रही है। ये देखो गाइस चारों तरफ अभी तो अंधेरा कम होता जा रहा है, धीरे धीरे आपको दूर तक धुंध भी नजर आती होगी गाइस। ये एक और गांव आ गया, कूदनी का गांव आ रहा है उस साइड में, अंधेरा हो गया तो आपको यानी कि अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूं मैं। तो गाइस ये देखिए कूदनी का गांव भी एंटर हो चुके हैं हम लोग कूदनी के गांव में। ये गांव के घर वगैरह हैं ये ऐसे ही होते हैं, कूदनी का गांव है गाइस। ये देखिए यहाँ पे घर है खेत है चारों तरफ। ये अंकल जी अभी भी काम कर रहे हैं अंधेरे में, अभी भी हम लोग चल ही रहे हैं, अभी तक हमारा घर नहीं आया। अंधेरा देखिए कितना ज्यादा अंधेरा हो गया सामने से लाइट आ रही है, कोई आ रहा है शायद। गाइस अपना अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया है और ना बार बार धुंध जम रही है कैमरे के ऊपर, तो साफ करना पड़ रहा है बार बार पर गाइस स्कूटी का टायर भी एक साइड खिसक रहा है, तो मेरे ख्याल से कहीं स्कूटी के पहले वाले टायर यानी फ्रंट टायर के अंदर हवा ना कम हो गई हो। गाइस ये जो धुंध है ना कैमरे के ऊपर बार बार पड़ रही है, बार बार साफ करना पड़ रहा है, तो वीडियो हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे गाइस। तो अगर मैं कंटिन्यू नहीं करता तो गाइस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो का लाइक शेयर कर दीजिएगा गाइस। बस जाखल में एंट्री होने वाली है, वो देखिए वहां पर आपको तिरंगा लाइट्स दिख रही होंगी, वो हमारे जाखल के पुल पे ही लगी हुई है। तो बस जाखल में एंट्री होने वाली है, और ये देखिए चारों तरफ कितना अंधेरा हो गया गाइस। यहाँ पर अभी गग्गर नदी आएगी आगे, वो देखिए तिरंगा लाइट्स आपको दिख रही है, वो जाखल है, बस वहीं से हम लोग जा ही रहे हैं। वो देखो गग्गर के ऊपर से यानी कि पार कर रही है, मैं आपको अगर गग्गर दिखेगी तो गग्गर दिखाता हूँ। तो गाइस ये गग्गर नदी है, ये देखिए बाढ़ पिछली बार यहीं से आई थी, हम लोग पुल क्रॉस कर रहे हैं अभी, ये देखिए। गाइस हम लोग वापस आ गए हैं घर के अंदर, तो हम लोगों को यानी कि अंधेरा हो गया आते आते, हम लोग यानी कि बीच में वीडियो वगैरह नहीं बना पाया मैं आप लोगों को दिखाने के, अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया था और हमारे पास यानी कि वो प्रोफेशनल नाइट मोड वाला कैमरा भी नहीं है,
तो इसलिए मैं आपको बाकी नहीं दिखा पाया। हम लोग घर आ गए, थक गए गाइज, आज बहुत ज्यादा काम वगैरह था। तो गाइज वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग के अंदर गाइज, बाय बाय।